Ratio analysis. Ratios are generally classified as follows. Type 1, traditional classification. Type 2, functional classifications. In traditional classification, there are three categories of ratios. One, revenue statement ratios. Second, balance sheet ratios. And third, composite ratios. And in functional classification, there are four categories of ratios. First, profitability ratios. Second, liquidity ratios. Third, leverage ratios. And four, activity ratios. Hi guys, I am Rakesh Mevada and you are watching Dream Spirit of Commerce. Friends, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस के क्लासिफिकेशन और रेशियो एनालिसिस के सारे फॉर्मूला सीखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो टाइप है, बट हमें जो यूजफुल है वो टाइप टू है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में चार टॉपिक है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, लिवरेज एंड एक्टिविटी। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टाइप वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। बेस्ड ऑन सेल्स में चार रेशियोज है। फर्स्ट रेशियो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड एक्सपेंस रेशियो एंड फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। अब टाइप टू, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। टाइप वन में हमने देखा बेस्ड ऑन सेल्स था, अब हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसमें जो है टाइप वन, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, सेकेंड रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, थर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फॉर अर्निंग पर शेयर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अर्निंग पर शेयर। गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को दो बेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेस वन है बेस्ड ऑन सेल्स एंड सेकेंड था बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन सेल्स में हमने देखा चार टाइप के रेशियोज है, फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट, सेकेंड ऑपरेटिंग, थर्ड एक्सपेंस रेशियो एंड फोर नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फोर था अर्निंग पर। अब हम जा रहे हैं सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में फर्स्ट है करंट रेशियो, सेकेंड है लिक्विड रेशियो एंड थर्ड है एसिड टेस्ट रेशियो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकेंड लिक्विड रेशियो एंड थर्ड एसिड टेस्ट रेशियो। फ्रेंड्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में चार टाइप है। टाइप ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें दो पार्ट है, ए बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद टाइप बी लिक्विडिटी रेशियोज। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप सी लिवरेज रेशियोज के बारे में। फ्रेंड्स, लिवरेज रेशियो में सबसे पहले आ रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकेंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, थर्ड गियरिंग रेशियो, फोर लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट्स एंड फाइव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, सेकेंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, थर्ड गियरिंग रेशियो एंड फोर लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट्स एंड फाइव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में टाइप ए था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टाइप बी था लिक्विडिटी रेशियो, टाइप सी था लिवरेज रेशियो। अब हम जा रहे हैं टाइप डी में, वो है एक्टिविटी रेशियोज के बारे में। एक्टिविटी रेशियोज में फर्स्ट आ रहा है स्टॉक टर्नओवर, सेकेंड डेटर्स रेशियो, थर्ड क्रेडिटर्स रेशियो एंड फोर टोटल एसेट्स टर्नओवर। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, फर्स्ट स्टॉक टर्नओवर, सेकेंड डेटर्स रेशियो, थर्ड क्रेडिटर्स रेशियो एंड फोर टोटल एसेट्स टर्नओवर। फ्रेंड्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में टाइप ए है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसमें दो पार्ट था, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। टाइप बी लिक्विडिटी रेशियो, टाइप सी लेवरेज रेशियोज एंड टाइप फोर एक्टिविटी रेशियोज। ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बी लिक्विडिटी रेशियोज, सी लिवरेज रेशियोज एंड फोर एक्टिविटी रेशियोज।
फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट सब में आपको क्लियर दे दिया, देन ओके। बट अगर नहीं दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स आपको कौन सा लेना है? तो सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, नाउ ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हो। मेथड नंबर वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये मेथड से पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सेकेंड मेथड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों मेथड में से जो मेथड से पॉसिबल है आप कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकते हो। नाउ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कौन से एक्सपेंसेस के बारे में ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में हम एक्सपेंस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट PAT डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। PAT इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PAT का मतलब है P फॉर प्रॉफिट, A फॉर आफ्टर, T फॉर टैक्स। और डिवाइडेड बाय जो सेल्स लेना है वो सेल्स कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स में फोर रेशियो हमने चेक किए। फर्स्ट ग्रोस प्रॉफिट, सेकेंड ऑपरेटिंग, थर्ड एक्सपेंस एंड फोर नेट प्रॉफिट। चारों के चारों रेशियोज में एक चीज़ कॉमन है और वो है सब में डिवाइडेड बाय सेल्स आता है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। अब जब आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर रहे हो तब आपको ऊपर ग्रोस प्रॉफिट लिखना है। जब आप ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर रहे हो तब आपको ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है। जब आप एक्सपेंस रेशियो फाइंड कर रहे हो तो आपको ऊपर एक्सपेंस लिखना है। जब आप नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर रहे हो तो आपको ऊपर नेट प्रॉफिट लिखना है। नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। PBIT इक्वल्स P फॉर प्रॉफिट, B फॉर I फॉर इंटरेस्ट एंड T फॉर टैक्स। अब PBIT में से सबसे पहले माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर जो अमाउंट हमें मिलेगी जिसको हम बोलेंगे PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स तो फिर जो अमाउंट मिलने वाली है उसको हम बोलेंगे PAT। PAT मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड इक्वल्स नेट प्रॉफिट इन ब्रैकेट PAT डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। PAT इज इक्वल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, PBIT में से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो PBT मिलेगा, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा PAT। PAT इज इक्वल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। PBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू PBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू PAT। PBIT इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBT इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड PAT इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ अर्निंग पर शेयर EPS। ई फॉर अर्निंग, पी फॉर पर, एस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस
प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट चार फॉर्मूलास थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। फर्स्ट फॉर्मूला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकेंड था रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड इक्वल्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड फॉर्मूला था रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड फोर्थ फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर, जिसको हमने बोला ईपीएस इक्वल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये चारों फॉर्मूला बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के थे। नेक्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हमें लेनी है, जैसे कि कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसी एसेट्स हमें करंट एसेट्स में लेनी है, और करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज लेनी है, तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अनक्लेम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसी लाइबिलिटीज जो है वो हमें करंट लाइबिलिटीज में लेनी है। अब बारी है लिक्विड रेशियो की। लिक्विड रेशियो इक्वल्स लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमने करंट रेशियो के लिए या तो फिर करंट एसेट्स जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दी है उसमें से हम स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमें लिक्विड एसेट्स मिल जाएगी। मतलब लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और लिक्विड लाइबिलिटीज इक्वल्स करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करेंगे तो लिक्विड लाइबिलिटीज मिलेगी हमें। नाउ एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल्स क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स में कौन सी एसेट्स हम ले सकते हैं, तो उसमें कैश बैलेंस है ले सकते हैं, बैंक बैलेंस ले सकते हैं, और ऑन द स्पॉट जिसको हम सेल कर सकते हैं ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम ले सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्विक एसेट्स, जो ऑलरेडी कैश है या एकदम शॉर्ट टर्म में जिसको हम कैश में डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्विक एसेट्स। फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रेशियोज में तीन रेशियोज आते हैं। फर्स्ट करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सेकेंड लिक्विड रेशियो फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज। एंड थर्ड एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज। अब बारी है प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। टोटल रियल एसेट्स अगर आपको फाइंड करनी है तो आपके पास बैलेंस शीट में एसेट साइड का पूरा टोटल ले लेना है, और वो टोटल में से 50,000 एसेट्स आपको माइनस कर देनी है, तो आपको जो एसेट्स मिलेगी वो होगी टोटल रियल एसेट्स। नेक्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय ऑनर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज हमें लेनी है, तो जैसे कि डिबेंचर है और कोई लॉन्ग टर्म की लोन है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। और ऑनर्स फंड के लिए हमने सारे फॉर्मूला के बाद एक टेबल लिखा है, उसमें आपको वो ऑनर्स फंड मिल जाएंगे। नाउ गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो इक्वल्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। उसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी है जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर सब में कोई स्पेसिफाइड नहीं किया तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करके गियरिंग रेशियो फाइंड कर सकते हो। नाउ लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट्स इक्वल्स
लॉन्ग टर्म फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब लॉन्ग टर्म फंड्स में आपको क्या लेना है, कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉब्लम तो फिर से वही, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो आपके ये सारे क्वेश्चन है उसके आंसर, ये सारे फॉर्मूलाज खत्म होने के बाद एक टेबल बनाया हुआ है और वो टेबल में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेना है, प्रोप्राइटरी फंड में क्या लेना है, सारी डिटेल आपको वो टेबल में मिल जाएगी। अब बारी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट मीन्स पी बी आई टी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, तो डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे आई इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, लिवरेज रेशियो की कैटेगरी में 5 रेशियोज आ रहे हैं। रेशियोज नंबर 1, प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल रियल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड, डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय ऑनर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड, गियरिंग रेशियो, फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर लॉन्ग टर्म फंड टू फिक्स एसेट्स, फॉर्मूला लॉन्ग टर्म फंड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट मल्टीप्लाई 100। एंड लास्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब बारी है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करना है, हमने ऑलरेडी सीख लिया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब बारी है एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। नाउ डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो इक्वल्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई डेज ऑफ द ईयर। क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। अब फॉर्मूला में डेज ऑफ द ईयर लिखा है, तो बेसिकली डेज ऑफ द ईयर 365 होता है, बट अगर सब में आपको डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्शन में लिखा है कि आपको 300 डेज लेने हैं, तो आपको 300, अदरवाइज 365। सेम टू सेम क्रेडिटर्स रेशियो। क्रेडिटर्स रेशियो इक्वल्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई डेज ऑफ द ईयर। सो क्रेडिट परचेस इक्वल टू टोटल परचेस माइनस कैश परचेस। डेटर्स रेशियो और क्रेडिटर्स रेशियो दोनों सेम है, फर्क डेटर्स में डेटर्स आते हैं और बिल रिसीवेबल आती है, और डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स आता है, और क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस। डेज ऑफ द ईयर 365, या तो डायरेक्शन में जो लिखा है वो आपको लेना है। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल्स सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब सेल्स मीन्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रीट। फ्रेंड्स, एक्टिविटी रेशियोज में बेसिकली 4 रेशियो। फर्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सेकेंड, डेटर्स रेशियो, फॉर्मूला डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड डेज ऑफ द ईयर। थर्ड, क्रेडिटर्स रेशियो, फॉर्मूला क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई डेज ऑफ द ईयर। एंड लास्ट, टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल्स सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। फ्रेंड्स, फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब बारी है मास्टर टेबल की। मास्टर टेबल आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करके देगा। मास्टर टेबल कैसे बनाना है, ऑलमोस्ट सारे सब में आपको ये टेबल बना ही देना है। मास्टर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस PNL क्रेडिट बैलेंस, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करनी है। फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व,
पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करनी है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। उसमें प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करेंगे तो फिर जो अमाउंट आएगी जिसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, जिसका दूसरा नाम है प्रोप्राइटर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड की जो अमाउंट आएगी उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन ऐड करेंगे तो फिर जो अमाउंट मिलेगी जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूलाज एंड मास्टर टेबल दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको करना क्या है, रेगुलर इंटरवल पे ये वीडियो देखते रहना है, जिससे आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक लेके। आप रेगुलर इंटरवल पे ये वीडियो देखते रहोगे, फॉर्मूला अपने आप आपको याद रह जाएगा।